चलो दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारे पेंटर ने क्या बनाया है यहाँ पर। फटाफट से दिखाते हैं आपको हमारा पेंटर कौन है, तो ये बाद में दिखाएंगे। और हमारी ना पूरी वीडियो देखना, इस वाली वीडियो को ना आप लोग पूरी देखना और हमारा पेंटर का पता भी चल जाएगा। ये बूढ़ा इंसान जवानी है। वहाँ से ना बहुत डेंजर वाली बारिश आ गई है, तेज वाली आ रही है ना। हमने तो सारा काम कर लिया है। तो मैं खा रही हूँ आम और आराधु नहीं खाती आम। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नीता बगिया, स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के कोहरा से ढकिया इन वादियों से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के करीब, टाइम कितना हो रहा, सुबह के करीब 9 बजे से। और हम मैं अभी छत में आर देवी आर दिग्विजय भी और मैं अभी तो अभी बैठे हैं, बैठे मतलब कि छत में खड़े हैं। बाद बाकी कोहरा लगा है। तो आज का मौसम को सीन देखो, मतलब कि चारों ओर धूप के लिए है और बाद की कोहरा भी लगा है चारों और बिल्कुल ऊपर ऊपर के साइड देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आज ना मतलब कि गर्मी ना बहुत ज्यादा हो रही है, कम हो रही उमेश और बाद आके आद लगी है खेलने पे। और मैं जाती हूँ बर्तन देखो, जैसे जैसे किसी ने खाए होंगे वैसे वैसे फेंके हैं। फोन कौन फोन से फोन दिख गया ना, आप नीचे देखो। रात देखो कौवे को भगाने जा रही है, देखो बोल भाग गया। आ तो इधर आ जा। ये कौन ना होने दे, इधर आ जा। तो देखो दोस्तों अभी ना खतरनाक वाला कोहरा लगने वाला है, मतलब लग रहा है। और बाद बाकी देखो आजकल ना आंगन की हालत भी कुछ इस तरह से रहती है, क्योंकि बारिश की वजह से अब तो चौमासा लग गया है। तो इस कारण से डेली ना आप लोगों को मतलब ऐसे ही कचड़ पच्चर दिखाई देगा, कचरा। और मेरे हाथ देखो मस्से से भी हुए हैं, क्योंकि आजकल लाइट, क्योंकि परसों से तो लाइट नहीं थी और कल रात को तो आ गई थी और अभी फिर दिन में लाइट नहीं है। और तो कल से ना मेरे को चूल्हे ही में बनाना पड़ रहा खाना, मेरा खाना मतलब दिन का खाना हमारा अंदर ही बंदा था। और लेकिन अब आजकल मैं चूल्हे ही पे बना रही हूँ, तो चूल्हे ही पे बनाना पड़ रहा मेरे को। तो कोई नहीं बना दे रही। वैसे ना चूल्हे में ना अच्छा होता है खाना बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है कि लकड़ी लगाने ना जल्दी जल्दी जाना पड़ता है इसलिए। और आदो इधर आ, आदो ना अधिक काम रही हुई है, दिखाती हूँ आप लोगों को। किधर जा रही होगी सीढ़ियों से ऊपर का दो, देखो ये तो गंदी हो गई है आजकल। ये देखो इसके दाँता। इधर आ तू, इधर आ। आजकल गंदी आदत पड़ गई है ऐसी। हाँ ओ आदू कैसे चप्पल लानी है, चुई चुई। मेरा आदू ना आजकल बोलती है चुई चुई वाली चप्पल पहनी है, बोला चुई चुई वाली चप्पल, पिंपारे वाली चप्पल पहनी है आदू को। तो आदू के पापा ने लाई थी यार आदि के लिए, और आजकल ना उसे ही पहनती है, रात दिन बोलती है चुई चुई वाली चप्पल पहनी है मेरे को। चप्पल पहना रहा नहीं थी उस पर, एक ही पहनी है क्या, उसकी तैयारी है जाने की पारकुड़ा है ना। तू पारकुड़ जाएगी चप्पल पहन रही चुई चुई, उसके बाद जाएगी। बाद बाकी धूप लग रही यार डेंजर वाली, और यहाँ पे देखो धूप लगी है, बाद बाकी वहाँ उस साइड नहीं लगी है। कैसा मौसम है आजकल का भी। आज ने सोचा मम्मा यानी है, आज बोली मम्मा कहाँ है मम्मा। कैसे ढूंढ रही थी आज मम्मा को, कैसे ढूंढ रही थी आज मम्मा को। हाँ क्या तुम है रोटी। तो ये पड़े हैं हमारे आम, परसों से दिन से पड़े हैं ये आम और खाते हैं हम भी, हम आम खाते हैं आदू। मम्मा ने दिया, बोला चिप्स बनाए मैंने कल बना दिए थे और इसलिए आज खा रही आदू है।
क्योंकि चिप्स ज्यादा खराब नहीं होते ना, इसलिए चलो हम भी आम खाते हैं फटाफट से। तो मैं खा रही हूँ आम और आराध नहीं खाती आम, आद बोलती है छी मैं नहीं खाती हूँ। तो हम इस तरह से खाते हैं, मतलब आप लोग ऐसा सोचना कि बकल खा रही है ना आदू। तो चाकू से कौन काटेगा, इसीलिए हम ताड़ी से काटते हैं, तो हाथों से ही खाते हैं। आदू ने भी मंगा दिया है, देखते हैं खाती है आदू की नहीं खाती है। खा परसों ना मैंने चूड़ियां भी लेके आए आदू के लिए, और चूड़ी। तो परसों का ब्लॉग ना मैं एंड भी नहीं कर पाई क्योंकि उस रात ना लाइट नहीं थी, जब मैं आई थी माँ जब से उसी टाइम से लाइट नहीं थी, और तो कल आई लाइट और एंड भी नहीं हो रखा हुआ ब्लॉग। तो कोई नहीं, ऐसे करके रखूँगी उसे। तो अभी भी लाइट नहीं है, मेरा फ़ोन भी डाउन होने वाला है बाद। बाकी कल भी मैंने ब्लॉग नहीं डाला और आज तो आ ही जाएगा, आएगा जो इसकी बैटरी भी लो हो जाएगी तो फिर कहाँ से आएगा। तो अभी ना वीडियो अपलोड नहीं हो रखी है इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पे रखा मैंने पानी नहाने के लिए, और पाउड में कुछ इस तरह से ही रखते हैं पानी नहाने के लिए। और ये रो रही है, इसे ना फोन चाहिए आज कल रात ही। तो दोस्तों आज भी नहीं आने वाला मेरे ब्लॉग क्योंकि ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा क्योंकि नेट नहीं चल रहा और लाइट भी नहीं है ऊपर से। तो क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। देखती हूँ थोड़ी देर में, पहले नहाती हूँ मैं फटाफट से क्योंकि 11 बजे हो गई है अभी, और मैं तब तक नहाती हूँ और उसके बाद मैं साग भी बनाना है मेरे को। तो चलो नाटक देखो, देखो नाटक गिरेगा ना पतरी से नीचे तब पता चलेगा। तो दोस्तों आ गई मैं और पार से ना, मतलब वहाँ से ना बहुत डेंजर वाली बारिश आ गई है। तो चलो आराध्य भी उठ गई, चलती हूँ फटाफट से ऊपर। आध उठ गई, आध उठ गई, आध उठ गई। तो कपड़े वगैरह भी उठाने में दोस्तों देखो आध उठ गई है, आधु की मामा नहीं और आध उठ गई। आधु आधु को नहीं नहलाती हूँ मैं आज, कल नहलाऊंगी मैं आधु को। देखो वहां से ना बहुत तकड़ी वाली बारिश आ रही, बहुत खतरनाक वाली, देख सकते हैं आप लोग। और वहाँ की बारिश ना फटक से आती है यहाँ, बाद बाकी ऊपर ऊपर से ना कुहरा ही लगा है अभी। मंडवा ना फिर से लग गए लोग गोड़ ने, तो देख सकते हैं आप खेतों में लोग गोड़ डाई कर रहे हैं। बाद बाकी बरसाती भी दिख रही उन लोगों की, देख सकते हैं नीली नीली हरी हरी बरसात दिख रही उनकी। बारिश आ गई है, बारिश आ गई क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो गई है यहाँ, और बारिश ना जो तेज वाली आ रही है ना। हमने तो सारा काम कर लिया है, अब हम खा जैसे ही बारिश लगेगी वैसे ही हम खाना खाएंगे है। हाँ अब बूंदी भर का क्या क्या ताकि मरा कर दिया बालवान। तो चलो हम भी खाना खाने बैठते हैं फिर। जो कि बारिश आ गई है। तो दोस्तों अभी खाना पीना हो गया हमारा, हम आ गए हैं ऊपर और आधु खा रही चिप्स, इसका ना आज चिप्स ही नहीं होगा पर बाद की नीति है। तो चलो अब हम भी थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी नीचे 1:00 बज गए हैं, और बारिश भी मतलब ज्यादा तेज नहीं हुई आज, और हल्की 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 फुल्की लगी है अभी बूंदाबांदी। तो दोस्तों हमारा क्या यहाँ पर, और आधु उठ गई है अभी, और इसकी जिद है अभी मेरे को फूल के लिए लगाने के। तो फूल क्या तेरे लिए, फूल क्या हो आधु, तो फूल है वहाँ पर, तो जाना तो मेरे को पड़ेगा ही, अपनी बच्ची के खातिर तो करना पड़ेगा। ओ ये देखो ले आराध ले आराध ले ले।
फूल कैसा है? अद्भुत फूल कैसा है? अच्छा है। देखो फूल उड़ा रही है, बोलिए अजय। देखो अब ये भी आ गई, ये भी आ गई, दोनों के दोनों आ गए अब यहाँ पर। और कुकड़ी चराने रखे नीति है ना? यस या नो? गढ़वाल भाषा में हाँ। ये पता नहीं क्या बना रहे हैं, देखो फिर से फूल बनाने लगे। तो दोस्तों लचिनानंद बोल रही है ना, फुलड़े के फूल होते हैं ना वाइट वाइट से, और क्या है होते हैं पिंक पिंक से। तो लचिनानंद उसका ना एक बॉय बना देगी, तो दिखा दें आप लोगों को कैसे बॉय बनाएंगे। नीति जैसा बनाएंगे, कंकाल तंत्र बनाएंगे हमारे यहाँ जैसे गर्ल बना के दिखाए जरा कोई। देखो लचिनानंद बोली मूर्ति, क्या बोला? मूर्तिकाल मूर्ति। देखो अभी फूल लेके फूलों के लिए जा रखी थी, ला रही है, दिखाती हूँ आपको फिर। ये ला दे इसने फूल, अब बनाती है, चलो स्टार्ट करो। अभी बन रहा है इसका थोपड़ा एंड कोपड़ा। तो चलो दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को कि हमारे पेंटर ने क्या बनाया है यहाँ पर, और फटाफट से दिखाते हैं आपको हमारा पेंटर कौन है। तो ये बाद में दिखाएंगे, और हमारी ना पूरी वीडियो देखना, इस वाली वीडियो को ना आप लोग पूरी देखना, और हमारा पेंटर का पता भी चल जाएगा क्या लगता है और कहाँ से आए हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो ये बॉय देखो, बॉय के हाथ उंगली फूल कर निकाली, इस तरह से बना है हमारा क्या है बॉय कि बुढ़िया बूढ़ा इंसान है, ये बूढ़ा इंसान जवानी है। मैंने सोचा बॉयज बनाएगी लेकिन ये बूढ़ा बन गया, आधा बड़ा है आधा बड़ा है आधा छोटा है, आधा बैल बड़ा है आधा नहीं बड़ा। अच्छा आधा बना रखा है बोला, आधा नहीं बना रखा है। तो अभी ये कि जी जज्जो बड़ो बड़ो क्या कर दिया लचिनानंद ने, देखो ये क्या काट दिया, इसकी कटिंग कर दी इसकी कटिंग कर दी, अब आधु इस पे पेंट करेगी। अब आ रहा देखो पापा का कॉल भी आने वाला है, काट ही लिया वो खुद कॉल करती है, खुद करती है बोलती है काट लिया है पापा ने फोन कॉल है ना। आधु बंद बंद क्या करूं बंद फोन फोन आज बोरी वीडियो बंद कर मावर चुप स्विच ऑफ हो गए उसका चिड़िया रानी फोन ना, इसलिए बोरी इसको भी बंद कर मामा खोलू खुलेगा बोला आगे आएगा। तो दोस्तों काले हमने कहा ना और ऊपर नहीं हम आज हाँ तो चलो चलो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यही फैन करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग क्या हुआ आज ना वीडियो भी है नहीं करने देती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं नीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।